ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लिमान को बंद कर दें, अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो उसे मौतल कर दूँ, क्या ये दयानतदारी है? ऐसे तो फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मौतल कर दें। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा नैब तरमीम केस में रिमार्क्स दिए, हम कानून तोड़ें या मिलिट्री तोड़ें एक ही बात है, हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे। नैब तरमीम केस की समाअत धुआं थार दलाइल, ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें, चीफ जस्टिस के कड़कते रिमार्क्स। चीफ जस्टिस कासिफ आसिसा ने रिमार्क्स दिए, अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो इसे मौतल कर दूं, क्या ये दयानतदारी है? ऐसे फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मौतल करें, हम कानून तोड़ें या मिलिट्री तोड़े एक ही बात है, हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून दुरुस्त नहीं है तो इसे कलदम करार दे दें, अगर कवानीन को इसी तरह से मौतल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा, क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे? एक कानून को मौतल करके फिर रोजाना केस को सुनकर फैसला तो करते, क्या कानून मौतल करके बेंच इसके खिलाफ बनाकर दीगर मुकदमा सुनते रहना, क्या ये इस्तेहसाल नहीं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दो तशरीहात हो सकती हैं, कि अपील का हक सिर्फ मुतासरा फरीक तक महदूद किया गया, इस तरह तो मुतासरा फरीक में बिल पास करने वाले हुकूमती बेंच के मेम्बरान भी आ सकते हैं। चीफ जस्टिस कासिफ आसिसा ने ख्वाजा हारिस से मकालमे में कहा, आप असल केस में वकील थे, आपके न आने पर मायूसी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दरियाफ्त किया, इतना तवील अरसे तक केस क्यों चला, क्या आपने केस को तोल दिया? वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, जी ज्यादा वक्त दलाइल में दरख्वास्त गुजारने लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, ये तो बड़ा ताज्जुब है कि नैब तरमीम केस 53 समातों तक चला गया। चीफ जस्टिस ने मजीद दरियाफ्त किया कि हाई कोर्ट में जेर समात होते हुए ये केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे काबिल समात हुआ, क्या मरकजी केस के फैसले में अदालत ने सवाल का जवाब दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।